क्लास का टाइम है ये, और मैं मुझे खुशबू सी महसूस हुई कि बारिश की जैसे खुशबू आती है एकदम सी, अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू उठती है बारिश की। तो फिर मैं देखने आई तो बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा मौसम हुआ था, खुशगवार मौसम, और बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी मौसम आपने देख लिया, कितना अच्छा सा प्यारा सा मौसम हुआ हुआ था बारिश के बाद। थोड़ी सी सर्दी भी हो रही थी लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था मौसम। और चलें जी अब मौसम की बातें हो गई, और अब ये है कि जी मैं यहाँ पर दे रही हूँ रेसिपी जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मांगी थी कि जी मुझे बताइएगा कि आप पराठे जो बना के फ्रीज करती हैं तो कैसे करती हैं। तो ये मैंने जो है ना अभी ये चार पेड़े मैंने बना लिए थे, जो भी आटा घर में यूज़ करते हैं ना हम उसी से जो है आप इस तरह से पराठे जो हम पेड़े बनाते हैं ना पराठे के वो बनाएं, और किसी भी शेप में जिस तरह से भी आप लोग बनाते हैं उस तरह से बना लें। अच्छा मैंने इस तरह से बनाया है, रोटी बेली फिर उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, खुश्की डाली थोड़ी सी, और फिर इसको जो है ना इस तरह से बंद कर दिया। ठीक है ये चारों मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब मैंने क्या लिया है, ये पतीली का ढक्कन है कोई सीधा बिल्कुल ना वो लिया, और इसके ऊपर जो है ना मैं ये बिछाऊंगी पेपर, ये शॉपर जिसे कहते हैं ना, शॉपिंग बैग शॉपर जो घर में आसानी से मौजूद होते हैं, तो उनको मैंने ना इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लिया है। गोल शेप में काट लें, स्क्वायर में काट लें, जैसे भी काट लें, ये इजीली जो है घर में मौजूद होते हैं। तो मैं किसी और पेपर का जो है ना नहीं आपको बता रही, ये तो आसानी से ही होते हैं घर में, तो इसलिए मैंने कहा मैं इसी से जो है ना आपको बताऊंगी, ताकि हर बंदा जो है ना घर में इजीली बंदा या बंदी वो आसानी से जो है ना कर सकें। अच्छा जी बस अब इसको जो है बेलना है हमें, और हमें ये उतना ही बेलना है कि बस हम जब फ्रीज हुए हुए होंगे तो हमें डायरेक्ट तवे पे ही डालना होता है। थोड़ी देर अगर बाहर रखना चाहें तो रख दें, वरना फिर डायरेक्ट उठा के हमें तवे पे ही इनको डालना होता है। तो उतना ही हम इनको जो है बेल के रख देंगे। अच्छा ये जो है अब इसके ऊपर से मैंने ऊपर इसके रख दिया है इस तरह से, और इसके ऊपर ना अब हल्का सा जो है ऑयल लगाना है, ब्रश की मदद से लगा लें या हाथ से ही फैला के लगा लें आप लोग। तो इस तरह से ये देखें इजी मेथड है बिल्कुल। तो बस ये हो गया, इसके ऊपर फिर मैं ये दोबारा से ये पेपर रख दूंगी, इसको इस तरह से कवर कर दिया, और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से जो है ना ये चारों जो पेड़े हैं इसी तरह से ऊपर नीचे बेल कर रखने हैं सेम इसी मेथड के साथ। ये देखें ये भी मैंने बेला और फिर इसको इसके ऊपर रखा, इसको भी थोड़ा सा ग्रीस करूंगी मैं, और ग्रीस करके फिर से इसके ऊपर वो जो मैं शॉपर हमने काट के रखे हैं उसमें से एक दोबारा से मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी। ये देखें बाकी भी मैं इसी तरह से कर लूंगी, चारों इसी तरह से, चार हो या जितने भी मतलब आप लोग करना चाहें, मैं फिलहाल चार करके बता रही हूँ आपको, आप जितने भी बनाना चाहें बना के रख सकते हैं। तो बस फिर एक शॉपर ले लें या फिर जिपलॉक बैग ले लें उसमें डाल लें, छोटा साइज बनाना चाहें बड़ा साइज बनाना चाहें पराठों का वो आपकी मर्जी है, इसको कर देंगे फ्रीज, और जब भी आपको बनाना हो तो बस निकालना, और डायरेक्ट भी आप तवे पे डाल सकते हैं तवा गरम करके। तो ठीक है जी मैंने आपको ये रेसिपी अपनी बता दी है, मेथड बता दिया है अपना कि मैं किस तरह से फ्रीज करती हूँ।
तो बस अब आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको तरीका, और आज आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी है। तो अच्छा जी, तो बस ये फिर ये है कि जी शाम का थोड़ा सा टाइम था, ये 4 बजे का तकरीबन, तो बस मौसम भी ऐसा था तो उसमें दिल करता है चाय पीने का बार बार, तो बस मैंने चाय बना ली थी। और बस ये है कि चाय पीऊँगी और साथ के साथ मैंने मेथी भी जो है बनानी है, उसको भी साथ साथ जो है चाय पीने के बाद ये मेथी भी बनाऊँगी मैं। और बस ये यहीं तक थी मेरी वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।